इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। गुफा का मेन मालिक यानी गुफा में रहने वाला जानवर आ जाता है और उसके साथ ना ये लड़ाई करके प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है। हाँ तो लड़ाई वड़ाई यहाँ पर होती है, लेकिन हमारा जो यांग है उसके सामने काफी कमजोर था, नहीं यहाँ पर टिक पाता, काफी चोट इसको यहाँ पर लग जाती है। उतने में वो जो बीस्ट यहाँ पे था ना, वो बाहर साइड ने किसी और पर चिल्लाने लग जाता है। तो यांग ये भी सोचता है कि यार कोई और भी है क्या, वो किसी और पर चिल्ला रहा है, चलो बढ़िया मौका मुझे मिल गया, यहाँ से भाग जाता हूँ। हाँ तो वहाँ से भाग जाता है, भागने के कुछ समय बाद ना खुद को हील कर लेता है, अगले दिन बेसिकली खुद को हिल यहाँ पे कर लेता, खुश था कि हाँ भी बाबू ने मुझे ढेर सारे स्पीचर शोन यहाँ पे दे दिए थे जिससे मैंने खुद को हिल यहाँ पे कर लिया, अब मुझे बस यहाँ से जाके भाई वापस से उसकी बैंड यहाँ पे बजानी चाहिए। इसलिए गुफा के बाहर यहाँ पे जाता है, जोर से चला तो बीस्ट के बच्चे अगर माँ का दूध यहाँ पे पिया ना सामने और आके यहाँ पे फाइट कर। हाँ तो सामने यहाँ पर आता है और आते ही सामने से फाइट करता, फिर से यांग टिक नहीं पाता और कहता है कि साले मैं जा रहा हूँ वापस से बदला लेने आऊंगा। दूसरा दिन भी आता है सेम वैसे ही होता है, फिर से हार जाता है, फिर धमकी देकर जाता है, तीसरा दिन भी आता है, फिर चौथा दिन भी आता है, पांचवें दिन पे भी आता है, ऐसा करते करते 10 दिन टोटल टाइम यहाँ पे लग जाता है। लेकिन 10वें दिन बाद ना फाइनली हरा देता है उसको। हराने के बाद कहता है चलो यार मरने के बाद तेरा जो कोर और तेरा जो चमड़ी बेच के बहुत ही पैसा कमाऊंगा, लेकिन इसके अंदर जो गुलाबी जानवर था ना वो बाहर यहाँ पर आता है और इशारे से कहता है इसको मत मारो। तो ये कहता नहीं 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 मैं तो मारूंगा भाई, मैं इसको मारूंगा, इसको मारने के बाद ना इसका कोर और चमड़ी बेच के पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन गुलाबी बीस्ट दूसरे बीस्ट को अपने पास लेता है और उसको भी लेके ना हमारे मैं कहते कि डेंटियन में छुप जाता है। हाँ तो यांग ये गुस्सा करते कि अरे यार मेरे सारे पैसे चले गए और डेंटियन में आराम से दोनों बैठे हुए, अब वो डेंटियन है कोई जू यहाँ पे नहीं कि सारे जानवर आते हैं और वहीं पे छुप जाते हैं। लेकिन फिर सामने से खुश हो जाता है कि एक सेकंड देखा जाए तो जो बीस्ट दूसरा है ना वो भी मेरा गुलाम यहाँ पे बन जाएगा, उसको जो बोलूंगा वो मानना पड़ेगा। तो सुन मेरे छोटे बीस्ट एक काम कर भाई, ऐसे कैसे करते करते 100 से ज्यादा बीस्टों को ना अपना दोस्त बना के अंदर यहाँ पे ले ले, वो सबको यूज करूंगा आगे चल के लड़ाई के लिए। उतने में ना इसको पीछे से आवाज आती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग और भी महसूस होता है, तो पीछे यहाँ पे चेक करने जाता है। हाँ तो सामने वो जो मिस्टीरियस मैन यहाँ पे था जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो किसी सू नाम की लड़की के साथ ना फाइट यहाँ पे कर रहा था। हाँ तो फाइट करते करते हमारा मेकर नोटिस करता कि वाह यार वो आदमी कितना स्ट्रॉन्ग है, वो लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। वो लड़का यानी मिस्टीरियस मैन सामने से कहता है वो लेडी शू प्लीज रुक जाइए, आपको क्या लगता है मैं आपके पीछे इतने लंबे समय से भाग रहा था अब आपसे डरूंगा बिल्कुल भी ना। सामने से ये कहते सुनो भाई तुम घोष क्लैन के आदमी हो, घोष क्लैन का आदमी अगर हमारे शॉर्ट सेड में आगे किसी को मारेगा तो भाई तुम भी सामने से मरोगे, इस बात का तुम ध्यान रखना। उतने में जो मिस्टीरियस मैन ना हमारे यांग ये को देख लेता है और कहता है चोरी चुपके से नजर यहाँ पे रखोगे ना मुन्ना ना, ये बोल के ना अटैक कर देता है, जो अटैक सीधे जाता है हमारे यांग ये को लगता है और उसके छाती के अपार यहाँ पे हो जाता है। जो लड़की थी ना वो भी नोटिस करती है, उसको लगता है यांग ये मारा गया, कहती साले भाई तू थोड़ा अक्कल वक्कल नहीं क्या, एक बेचारा मासूम आदमी को मार दिया जो कि हमारी लड़ाई में इवॉल्व भी नहीं था, तू खुद को वॉरियर कहता है, एक सच्चा वॉरियर कभी भी ऐसा करता नहीं। जो सुन दो आदमी भी कहता है मैडम शो टेंशन मतलब खाली वो लड़का नहीं बल्कि आप भी मरोगी, इतना बोल के ना लड़की पे भी अटैक कर देता है। लेकिन सामने से लड़की अपना सॉर्ड यहाँ पे लेती है और लेके चला देती है जो सीधा लगा था उस बंदे के उसके छाती के अंदर और उसकी बैंड हो जाती है, मतलब उसकी बैंड बज जाती है। लड़की कहती ले बेटे तू तो गया सामने से गया। जो सुन दो मिस्टीरियस मैन कहता नहीं मैडम मैं बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ, इतना बोल के ना एक टेक्निक सामने से यूज करता है जिसको ब्लैक ब्लड सील कहा जाता है जो कि बेसिकली वो लड़की पे लगा देता है। लड़की भी कहती साले में तुझे सच्ची में शर्म नहीं आती, तुझे मालूम भी ये एक फॉरबिडन टेक्निक है जिसको यूज करने पे ना बंदे की बॉडी में नुकसान होता है और बंदे का ना कल्टीवेशन बेस भी बर्बाद हो सकता है और कई बार ऐसा हो सकता है कि उसका जो लेवल अप है ना जिंदगी में कभी ना हो, तू ऐसा करना चाहता है क्या? ये कहता मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, एटलीस्ट इससे मैं जिंदा तो बचूं ना, भले ही मेरा लेवल अप ना हो पाए लेकिन जिंदा तो यहां पे रहूंगा ना, लेकिन मैंने तेरे ऊपर लगा दिया है जिससे खाली तेरा लेवल अप होना तो छोड़ तेरा पूरा कल्टीवेशन पावर ही चल जाएगा एक महीने के अंदर और तू एक नल्ली लड़की बन जाएगी। इतना जैसा बोलता है ना पीछे से अटैक आता है और उसको लगती है उस बंदे को और कंफ्यूज की भाई किसने अटैक किया, हमारे यांग ये ने अटैक किया। वो सामने से कहता भाई तेरे नजर में आपने एक चींटी के बराबर है लेकिन आज तुझे ज्ञान मिलेगा कि कई बार जो चींटी है ना चींटी भी जान निकाल सकती है। ये ले इतना बोलकर उस बंदे पे अटैक करता है, वो बंदे को और चोट लगती है, वो चिल्लाता नहीं 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 तुम सबकी उतनी औकात नहीं है जो तुम मुझे यहाँ पे मार सको, नहीं जैसे इतना बोलता है खुद मर जाता है। लेकिन मरने से पहले ना एक टैलिस्मैन यहाँ पर रिलीज कर देता है जो देख के लोग पहचानते हो शिट भाई वो तो साउंड टैलिस्मैन, यानी साला मरने से पहले ना टैलिस्मैन द्वारा उसने किसी और को मैसेज यहाँ पे भेज दिया।
उतने में जो लड़के ने हमारे मेकेटे का पावर भी नोटिस कर दी, कह रही यार ये टेक्निक, ये तो हमारे जो शॉर्ट सेट है ना, शॉर्ट सेट की टेक्निक है ये, यानी तुमने शॉर्ट सेट का डिसाइपल है क्या? जो सुनते सामने से ये कहता मैं हूँ या नहीं हूँ उस पर बाद में ध्यान दो। उसने साउथ टेलीस्मैन यहाँ पे भेज दिया, यानी मैसेज किसी को भेज दिया, तो पक्का उसका जो सपोर्टर है ना, सपोर्टर यहाँ पे आने वाला होगा। तो हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। भाग सकती हो ना? वो कहती है हम भाग तो नहीं सकती, नहीं सकती। उसने अपना ब्लैक ब्लड सील मेरे ऊपर लगा दिया, तो जिससे मेरा पावर यहाँ पे सील हो गया। बहुत ही जल्दी जो पावर है ना वो भी चली जाएगी और नली बन जाऊंगी, तो भाग तो बिल्कुल नहीं सकती। जो सुनते हमारा मेकटा कहता है फिर तो सॉरी मेरे को ये करना ही पड़ेगा। इतना बोल के ना उसको गोद में उठा के भागने लग जाता है। वो भी चिल्लाती है अरे अरे लड़के मुझे छोड़, मुझे नीचे उतार। ये जोर से चिल्लाता हूँ मैडम, एक तो एहसान कर रहा हूँ आपको अपने साथ भगा के लेके जा रहा हूँ, और दूसरे मुझे गलिया यहाँ पे जा रही हो, चलो चुपचाप उपस्थित। इतनी भारी जो है कि मैं क्या बताऊँ, वो चिल्लाती भारी हूँ तू, मुझे मोटी कहना चाहता है साले। और तभी ना उस एरिया में एक बंदा आ जाता है, वही डेड बॉडी के पास, जिस बंदों का भी हमारे मेकेटे ने मारा, वो भी नोटिस करता हमारे ये साथी मारा गया। ये तो शू के पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ था, पक्का शू ने इसको जहाँ से मार डालोगा। तभी तो भाई शू है ना अपनी शॉर्ट सेट की वन ऑफ द टैलेंटेड डिसाइपल आती है, वो अपने और ढेर सारे बंदों लोगों को ना मैसेज यहाँ पे पहुँचाता है ये कहते हुए कि हमारा साथी मारा गया है और शू ने उसको पक्का जहाँ से मारा, इसलिए कुछ भी हो जाए उसको यहाँ पे ढूंढो। जैसे दिखेगी ना दया नहीं बसाने का, सीधा उसको जहाँ से मार डालने का, जहाँ से मतलब सीधा जहाँ से दूसरी ओर जहाँ पे हमारा मेकेटर और साथी में शू भाग रही थी। हाँ तो कहती भी कि सीढ़िया मुझे पावरफुल ऑरा महसूस हो रहा है किसी बंदे का जो शायद यहाँ पर आ चुका है। जो सुनते यांग ये कहते डोंट वरी अपन उसको भी जहाँ से मारा लेगा। जो सुनते ये कहती नहीं, लेकिन उस बंदे का जो और है ना, जिस बंदे को तुमने जहाँ से मारा उससे भी ज़्यादा हाई है। जो सुनते यांग ये कहता फिर तो रहने दो भाई, हमको भागना ही चाहिए। वो लोग काफ़ी दूर यहाँ पे भागते घंटों तक ना, भागने के बाद ना किसी एरिया में आके आराम से बैठ जाते हैं। लड़की शू कहती सुनो यार, लगता है मुझे बचाने के बाद ना अब तुम बड़ा पछता रहे हो। ये भी कहता यार मैं आप सच्ची में थोड़ा बहुत तो पछता रहा हूँ। वो कहती हाँ लेकिन अभी भी एक मौका है, मुझे छोड़ के यहाँ से भाग जाओ, जो भी मुसीबत मेरे ऊपर आएगी तुम यहाँ पे बच जाओगे। ये कहता है कि वेल यार नहीं, सामने से जो भी मैंने मेहनत किया ना तुमको उठा के भागने का, बना पूरा मेहनत पानी में चल जाएगा अगर मैं अभी भाग गया तो। जो सुनते ये कहती मेहनत कैसा मेहनत यार, हाँ तुमने ये कहा था कि मैं भारी हूँ, क्या मैं सच्ची में भारी हूँ? जो सुनते यांग ये कहता नहीं यार मैंने गलत बोल दिया था, तुम बहुत ज़्यादा भारी हो। जो सुनते इसको गुस्सा आ जाता है कि कमीने मैं तेरी जान निकाल लूंगी। यांग ये कहता भाई ये क्या बात हुई, जिसने जान बचाई तुम उसकी जान निकालोगी? उतने में ना और महसूस होता है दो स्ट्रॉन्ग बंदों का, तो ये कहती हो शीट 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 हमारे पीछे दो स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो यांग ये कहता हाँ तो बोलो क्या करें। ये कहती ब्रोकन सोल एबियस नाम का एक जगह इस एरिया में, हमको वहाँ पे जाना चाहिए। उसके बाद शीट शीट दो बंदे जो कि इनके पीछे पड़े हुए थे, हम कहते हैं भाई ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलो जल्दी से जाके हम पकड़ते। दूसरी ओर हमारे यांग ये ना उस लड़के को अपने साथ ब्रोकन सोल एबियस में लेके चल जाता है, उसके बाहर पहुँचता है। जैसे बाहर पहुँचता है तो वहाँ पे अजीब सा लाल रंग का धुआं था, ये भी देख के कन्फ्यूज किया, अरे लाल कलर का धुआं, ये लाल कलर का धुआं कैसे हुआ है, मतलब कैसे यहाँ पे ऐसा कलर का धुआं कैसे? तो ये सामने से बताती है, ऐसा कहा जाता है कि नीचे सर यहाँ पे धुआं रहा ना, जो भी बंदे यहाँ पे जाते ना वो ज्यादा कर अपना जो पावर है ना भाई लॉस कर देते, यानी हार जाते, खत्म हो जाता है, कल्टीवेशन बेस खत्म हो जाता है, शायद धुएं के चक्कर में होता होगा। सामने से चलो भाई आर यू रेडी? जो सुनते मैं कटा कहता व्हाट डू यू मीन आर यू रेडी, तुम मुझे क्या नीचे जाने को कह रही हो? ये कहती सही पकड़े हैं हम आपको नीचे जाने को बोल रहे हैं। ये कहते भट पागल हो क्या, मैं नीचे नहीं जाऊँगा, बाजू से कहीं से रास्ता है क्या? वो कहती नहीं, बाजू हर जगह से घेरे हुए हैं और वहां से जाने की कोशिश करेंगे ना, किलर आएंगे उतने में हमारी बैंड यहाँ पे बजा देंगे। उतने में पीछे से जो सबसे पहला बंदा था ना जिसने लाश देखी थी वो आ जाता है, वो आते कहता मिस शू कैसी हो तुसी तो गई। सामने से ये कहती वो शिट भाई किलर यहाँ पर आ गया, भागो भागो जल्दी से नीचे कूदो। जैसे नीचे कूदने जाता देखता अरे बाप रे भाई काफी ऊंचा यार, फटके चार हो जाएगी नीचे गिरते ही। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।